नमस्कार, एक बार फिर हम स्वागत करते हैं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु में। दोस्तों मैं रत्नाकर, आज आपको एक इन्फॉर्मेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मेरा एग्जाम अच्छा हुआ था लेकिन रिजल्ट गड़बड़ आया, तो मुझे रीटोटलिंग करानी है। तो इसकी प्रॉब्लम को मैंने समाप्त कर दिया है और आपके जो यूनिक ऑनलाइन गुरु टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैंने फॉर्म भी डाल दिया है। दूसरी चीज, मैं आपको आज यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आपको जो है कैसे कैसे कार्य को करना है, कैसे रिटोटलिंग फॉर्म को भरना है, कैसे डाउनलोड करना है गूगल से सारी चीजें। देखो यहाँ पे जाकर के आप गूगल पे जाकर के यहाँ पे रिटोटलिंग का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बात समझ में आई? आप आराम से जाकर के रिटोटलिंग का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये है आपका रिटोटलिंग का फॉर्म। यहाँ पे आपको फिल करना होगा और एक नियम आप जान लो कि कभी भी जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है, एग्जाम का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के एक महीने के अंदर आपको रीटोटलिंग का फॉर्म भर करके भेजना है, तभी आपका रीटोटलिंग का फॉर्म भरा जाएगा। इस बात को ध्यान में आप रखना। और रीटोटलिंग फॉर्म की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ कैंडिडेट डालना है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर डेट, एग्जाम डेट एंड रोल नंबर, बोथ की बात ये कर रहा है, ध्यान रखिएगा। नेम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सब्जेक्ट कोड नेम विथ रीटोटलिंग, यह है डिस्क्लोज अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है। फिर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में आपका रिटोटलिंग करना है, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, मीडियम हिंदी या इंग्लिश, या ग्रेड ऑब्टेंड की बात यहां पे कर रहा है। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, ग्रेड कौन सा आपको मिला है, क्या चीजें हैं, यहाँ पे आपको पूरी चीजें फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है एप्लीकेशन एड्रेस, यहाँ पे एप्लीकेशन एड्रेस डालना है। सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पर सब्जेक्ट आपको 200 रुपया पे करना है। मान लो अगर आपको 3 सब्जेक्ट में 1 सब्जेक्ट में यदि आपको रिटोटलिंग करवाना है तो एक बात आप कंफर्म सुन लो कि आपको 2 सब्जेक्ट में करना है तो 400 रुपया, 3 सब्जेक्ट में करना है तो 600 रुपया, 1 में करना है तो 200 रुपया आपको पे करना पड़ेगा नाइलेट को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डेट, अमाउंट, यूटीआर नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी, जो भी बैंक डिटेल से आप पेमेंट कर रहे हैं, और सेंडर्स नेम, यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका आता है वो है यहाँ पे सिग्नेचर का। यहाँ पे क्या करेगा, एप्लीकेंट्स का सिग्नेचर कर देगा। ध्यान रखना, बिना सिग्नेचर करे आप नहीं भेजेंगे, ठीक है। सिग्नेचर करेंगे, डेट और प्लेस डालेंगे। कुछ स्क्रिप्ट जान लीजिए, इंपॉर्टेंट जो भी इसके रूल रेगुलेशन है। सबसे पहला है रीटोटलिंग इज टू बी अप्लाइड विद इन 30 डेज, यानी कि आपको 30 दिन के अंदर में अप्लाई करना होगा, ठीक है। दूसरी बात है कि कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट फोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड एंड रिसिप्ट ऑफ द फी पेड ऑनलाइन। आपको जो एडमिट कार्ड है उसका फोटोकॉपी और रिसिप्ट पेमेंट का, दोनों को क्या करना है, लगाना है। और उसके बाद पर सब्जेक्ट 200 रुपया आपको पे करना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सामने आपका दिया हुआ है बैंक डिटेल, ये है आपका नाइलेट का बैंक डिटेल जिसमें आपको पेमेंट करना है। चाहे आप अकाउंट से कर लीजिए, चाहे आप कोई भी UPI ट्रांजेक्शन कर लीजिए, चाहे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी कर लीजिए, इसकी बात कर रहे हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, इसी पेमेंट करना है। फिर ये कह रहा है कि इनकम्प्लीट एंड विदाउट फी डिटेल एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर मान लीजिए गलती से आपका पेमेंट नहीं हुआ है या फिर आपकी पेमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा, यानी कि आपका पेमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और आपका जो पेमेंट होगा, जो आपको एक बात और जान लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे प्रोजेक्ट होता है उसी तरीके से हमारा रिटोटलिंग फॉर्म होता है, हमें फिजिकली उस चीज को भेजना ही है, यानी कुल मिला जुला के हमें क्या करना है, इस एड्रेस पे उसको फिजिकली सेंड करना ही पड़ेगा, इस बात को ध्यान में आप रखना, कभी भूलना मत, ठीक है। हाँ, और 9 बजे से 4 बजे तक इसी वर्किंग डे में इसको क्या करना है, कार्य को करना है। ये आपका क्या है, रीटोटलिंग का फॉर्म है। एक इंपॉर्टेंट बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रीटोटलिंग के फॉर्म में यह मत कभी सोचना कि आपकी कॉपी रीचेक होगी। रीटोटलिंग का मतलब होता है सिर्फ आपके नंबर एक बार और कैलकुलेट किए जाएंगे और उसके बाद आपको आउटपुट दिया जाएगा। बात समझ में आई? रीचेक का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, रीचेक कॉपी कैसे कराते हैं,
उसका लगभग 500 रुपए का खर्चा आता है, 550 रुपए का खर्चा आता है, उसमें हम लोग अपने कॉपी को क्या करते हैं, रीचेक करा पाते हैं। ठीक है, रीचेक कराते हैं तो सारी कॉपी फिर से रीचेक होती है। लेकिन अगर रीटोटलिंग की बात करें तो ये आपके रीटोटल करेंगे और आपको फिर से ये क्या करेंगे, आपके ग्रेड वहां पे डिस्प्ले करेंगे रीटोटलिंग के बाद भी, और रिजल्ट भी आपको वेबसाइट पे देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीजों को ये लोग क्लियरिटी के साथ करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। वैसे कॉपी बहुत अच्छी चेक होती है लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है दोस्तों। अगर आपको रीटोटलिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के जो नीचे नंबर दिया गया उस पर आप कॉन्टेक्ट करें, वहां से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, मैं आपको निकालूंगा। चाहे कोई भी हो, आपको मैं बताऊं टेलीग्राम चैनल से लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारी डिटेल्स टाइम टू टाइम मिल जाएगा। यूनिक ऑनलाइन गुरु या रत्नाकर सर, कोई भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके साथ में हम लोग प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल पे भी काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है, अगर आप परेशान हैं, तो बिल्कुल आपके समस्या का समाधान होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को जय हिंद।